अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबा देना कि आप लोगों को हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। YouTube यूजर डी डॉट माइकल, जो एक साउथ कोरिया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और डेली बेसिस पर अपने YouTube पर वीडियो अपलोड करता रहता है, आज तो एक अबांडेड जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां मकामी लोग का मानना है कि ये बिल्डिंग काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे कई एक्टिविटीज के कारण यहां पर कोई ऑफिस लेना पसंद नहीं करते। और जब माइकल ने यहाँ की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, चकम चकी बोया हो बो सूर्या चक हो무시하고 바로 그냥 가자. 2층, 3층 다 가자, 빨리. 무시해, 무시해, 무시해. 哇 और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही वो एक हॉलवे की जानी पहुंचता है, तो उसको सामने की ओर कुछ एक्टिविटीज दिखाई देती है, तो अचानक पीछे से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो कैमरा उस जानी प्रोटेक्ट करता है तो वहां पर एक टेबल दिखाई देता है और वो मूव होता हुआ अंदर की ओर चला जाता है। वो फौरन जाकर उसी एरिया को चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, और स्टेयर की ओर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। और जब मजीद बढ़ते हैं उस जानिब तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है।불을 좀 낮추겠습니다.
나가야 돼. 잠깐만. 빨리. 여러분들 빨리 나가야 됩니다. 빨리 나가야 돼, 여러분들. अब लोगों ने देखा कि वो एक कमरे में दाखिल होते ही उसके सामने एक परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसी टाइम वो नोटिस नहीं करता। इसी कमरे में वो जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक शीशे की केबिन पर परछाई दिखती है, और जब उस जानिब वो लाइट करता है तो वहाँ पर एक कुर्सी दिखाई देती है, लेकिन वो उसे देखकर काफी घबरा कर इस कमरे से निकलने की कोशिश करता है, और दरवाजे तक पहुँचते ही दरवाजा लॉक रहता है। तो वो कैमरा रोटेट करके कमरे की जानिब करता है तो वहाँ पर उसको काली परछाई दिखाई देती है। तो अचानक उसके पीछे दरवाजा मूव होता हुआ दिखाई देता है, और जब दोबारा वो कैमरा रोटेट करता है उसी जानिब, वो परछाई गायब हो चुकी होती है। तो क्या माइकल ने एक शैडो फिगर कैप्चर किया? जैसे यही मकामी लोग का मानना है कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, और इतनी एक्टिविटीज को देख कर तो लगता है कि वाकई में ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करना। YouTube यूजर शॉलोंग एडवेंचर जो चाइना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उनकी कई वीडियो हम अपने टॉप 5 लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। इनकी वीडियो काफी हॉरर और एंटरटेनमेंट रहती है। आज रात वो एक अबांडेड सेमेट्री बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। कई अरसे से ये बिल्डिंग वीरान पड़ा हुआ था, और जब यहाँ की उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि शॉलोंग एक जानी बढ़ता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा कैबिनेट की नजदीक पहुँचता है। वहाँ पर कुछ देखकर वो खौफजदा होकर पीछे की ओर भागता है, और जब कैबिनेट की जानिब देखता है तो उसका दरवाजा खुद ब खुद खोलने लगता है, और कैबिनेट के अंदर से एक दराज मूव होता हुआ नीचे की जानिब गिरता है। आप लोग को बताता चलूं कि यहाँ पर इंसान की बॉडी को रखा जाता है, और वो इस नजारे को देखकर खौफजदा होकर इस लोकेशन से बाहर निकल गया, और जब दोबारा यहां एंटर होकर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की।
不远。去你妈逼的，吓死了我操！哎，这太他妈像个黑影了，我操！操你妈的！禁止。哎呦我操你妈，这个小灯好像是骨灰盒上的呢。哎，这个好像是那骨灰盒上的，是不是？绝对是。看骨灰啊啊！看骨灰啊啊！我操！哎哎哎！我操你妈！啊啊！और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो एक कमरे की जानी बढ़ता है और जैसे कमरे में एंटर होता है आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पर एक जगह बना हुआ है जहाँ पर डेथ बॉडी को रखा जाता है कि उनके रिश्तेदार उसको लास्ट टाइम वहीं पर देखे। तो अचानक वहीं पर एक्टिविटी शुरू होती है और उसके सामने का दरवाजा और पीछे का दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई देता है। वो इस नजारे को देख कर काफी घबरा कर लोकेशन से बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद लोकेशन पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए जब आता है तो कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है।我操你妈！这捡骨灰的地方，这才是真正捡骨灰的地方。这是停尸床吗？这正常，他们骨灰出来都往这里头来。啊啊啊！那正常，他们骨灰出来都往这里头来。啊啊啊！我操！啊啊啊啊！我操！啊啊啊！我去你妈的！我操！操你妈！लोग देख सकते हो कि सेमेट्री की एक खौफनाक जगह की जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो अचानक दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि यहाँ पर डेथ बॉडी जलाई जाती है और अचानक उसके पीछे दरवाजा मूव होता हुआ दिखाई देता है और जब आगे इन्वेस्टिगेशन में बढ़ा है तो आप लोग देख सकते हो कि छत की जानिब वो कैमरा जैसे रोटेट करता है वहाँ पर एक सफेद शैडो का सर दिखाई देता है। वो इस नजारे को देखकर काफी
खौफ ज़दा होकर और इन्वेस्टिगेशन को क्विक करके यहीं से बाहर निकलता है। तो आप लोग क्या लगता है कि इस सेमेट्री में वाकई में कोई मखलूक का बसेरा है और या उन लोगों को जो जलाया गया उनकी आत्मा अभी तक यहाँ पर भटक रही है। एपिसोड तो काफी इंटरेस्टिंग और खौफनाक था। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। दोस्तों YouTube में आप लोगों को ऐसे कई चैनल मिल जाएंगे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं है लेकिन उनके घर पर एक्टिविटीज की वजह से उन्होंने रिकॉर्डिंग करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया, जिनमें से YouTube यूजर वीरानक सेस जो कुछ दिनों से उनके घर पर एक्टिविटीज हो रही थी तो उन्होंने CCTV कैमरा इंस्टॉल किए कि आखिर ये क्या एक्टिविटीज हो रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हॉलवे में उन्होंने कैमरा प्लेस किया था और उनमें से एक काली परछाई एक ओर से दूसरी ओर जाती हुई दिखाई देती है और रात के समय भी एक परछाई दिखाई देती है लेकिन ये एक्टिविटीज मजीद बढ़कर रात के टाइम पर उनकी बच्चे को भी डिस्टर्ब कर रही थी। Here. Move the camera if you need help. Oh my god. Oh my. So what happened to you if something bad happened? I'm scared to walk in the dark and I'm terrified. Move that back towards that screen. Why? Didn't follow him at all. I'm not even moving it. You finally moved? This door stopped. और जैसे आप लोगों ने देखा कि ऑब्स बच्चे की बिस्तर तक जाता हुआ नजर आता है तो उसके फौरन बाद बच्चा रोना शुरू करके उनके पेरेंट्स कमरे तक पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग हॉलवे पर बैठे हैं उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पर कोई फंसा है तो हमें सिग्नल दो। तो कैमरा रोटेट होता हुआ नजर आता है लेकिन ये एक्टिविटीज यहीं तक नहीं रुकती और हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वीराने का हस्बैंड एक कमरे में एंटर होते ही वहां पर एक व्हाइट सा शैडो डिसअपीयर होता हुआ नजर आता है और जो ही वो कमरे से बाहर निकलता है वो व्हाइट सा शैडो उसके पीछे दिखाई देता है और बाद में गायब हो जाता है। तो क्या वाकई में उनके घर में किसी मखलूक या आसेब का बसेरा है? बाकी आप इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करना। और ये वीडियो मेरे को काफी रियलिस्टिक लगी क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपने चैनल पर कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं की। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था इंस्टाग्राम जहाँ पर हम लोग देख सकते हो कि कपड़ों के शॉप पर सिक्योरिटी अपनी मामूल की ड्यूटी पर है और ऐसे अजीब सी एक्टिविटी शुरू होती है। ขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญรู้ว่าเขาแค่ปลอดภัยเลยตายงานแน่นอนเลยขวัญมาโอ้ยโอ้ย
और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उसके नज़दीक कपड़ों का स्टैंड पड़ा हुआ है, उससे कपड़ा गिरता हुआ दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद गैबी कुव्वत उसको घसीट कर लेके जा रहा है। वो अपने आप को छुड़ा कर और काफी खौफज़दा होता है और इधर उधर देखता है तो दोबारा वो गिरता हुआ नजर आता है और वो मखलूक दोबारा उसको घसीट कर अपनी ओर खींचा चला जा रहा है। तो वो अपने आप को दोबारा छुड़ा कर और इस लोकेशन से भाग जाता है। और ये एक CCTV फुटेज है जिसमें इस तरीके की एडिटिंग काफी मुश्किल है। मेरे नजर में ये काफी रियलिस्टिक वीडियो है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करना। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था रेडिट यूजर चास जीरो मैजिक, जो एक शॉर्ट वीडियो क्लिप है जो बारंकिया कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट में कई यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी अपनी मामूल की ड्यूटी पर था। उसको कई जानिब से आवाज सुनाई दिया तो जैसे वो उस बिल्डिंग की जानिब बढ़ता है तो कुछ ये खौफनाक नजारा कैमरे की आंख में कैप्चर करता है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वहीं से एक काली परछाई निकलकर ऊपर की जानिब जाती हुई नजर आती है। उन लोगों का मानना है कि ये एक विच हो सकता है जो वो लोग बिलीव करते हैं। तो क्या ये एक विच है और या एक घोस्ट था, इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करना।